जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। ओ लेवल का जो रिज़ल्ट है आपका वो डिक्लेयर हो चुका है, यानी ओ लेवल और ए लेवल जो दोनों कोर्स हैं आपके, इनके जो रिज़ल्ट हैं वो आपको मेल के द्वारा आपके पास आ चुके हैं। डाउट ये है कि जिन बच्चों ने मेल नहीं दिया था रजिस्ट्रेशन के टाइम, या जो डायरेक्ट है कैंडिडेट हैं, कुछ बच्चे इंस्टीट्यूट के थ्रू होते हैं जिनका मेल और रजिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट वाले करते हैं, कुछ डायरेक्ट होते हैं। तो जो डायरेक्ट वाले हैं उन्होंने मेल नहीं दिया, या मेल वाला ऑप्शन उन्होंने ब्लैंक छोड़ दिया, अपनी मेल नहीं फिल करी, तो क्या उनका रिजल्ट नहीं आएगा, या आएगा तो उनका रिजल्ट वो कैसे देख सकते हैं, ये आपके मन में डाउट है, ठीक है। और जिनके पास अभी तक मेल दिया भी है और मेल नहीं आया है, वो क्या करें, चाहे वो ए लेवल वाले हों या ओ लेवल वाले हों, तो इन सब के मन में रिजल्ट को लेकर डाउट है। रिजल्ट तो आपका देखिए आ चुका है, लेकिन ऑनलाइन अभी भी आपको शो नहीं होगा। अगर आप ऑनलाइन चेक करते हैं क्रोम पे जाके, नेलेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अगर आप चेक करते हैं, तो वहाँ पे आपको अभी ऑनलाइन वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, यानी जनवरी 2023 एग्जामिनेशन नेम में आपको शो नहीं होगा। तो ए लेवल का रात ही आ गया था, ओ लेवल का सुबह आ गया था, ठीक है। सुबह से ही मेरे पास एक दो बच्चों का मैसेज भी आया है, और दो चार ने अभी भी मेरे पास व्हाट्सएप पे भी अपना रिजल्ट सेंड किया है, जो कि पाइथन वगैरह में पास हो गए हैं बच्चे, जो पिछले बार पास नहीं कर पाए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओ लेवल का M3R5 का, यानी पाइथन का एक जो बच्चे का एग्ज़ाम रह गया था, जब पिछली बार इसमें फेल हो गए थे, इस बार इन्होंने सी ग्रेड से पास कर लिया है, इनका सी ग्रेड आया है। यहाँ पे आपको ये नहीं दिखाया गया कि आपके प्रैक्टिकल में कितने नंबर है और थ्योरी में कितने नंबर है, केवल आपका ग्रेड दिखाया गया है कि आपका कौन सा ग्रेड है, आप पास हैं या फेल हैं। तो इस तरीके से आपको मेल के द्वारा रिजल्ट आपका मिल गया होगा ओ लेवल वालों को और ए लेवल वालों को। बाकी ऑनलाइन भी आपका जल्द ही आ जाएगा। जो बच्चे परेशान हैं, जिनके पास मेल नहीं आया है, उन्होंने मेल भी दिया है और मेल नहीं आया है, तो आप मेल को एक बार रिफ्रेश कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं रिफ्रेश करके, और अगर रिफ्रेश करने के बाद भी नहीं आ रहा है तो आप दो चार मेल डिलीट कर सकते हैं। हो सकता है आपका मेल बॉक्स फुल हो रहा हो, तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको रिफ्रेश करके देख सकते हैं आपके पास मेल आ जाएगा, ठीक है। और नहीं आता है तो शाम तक आपको मिल जाएगा, क्योंकि सबके पास एकदम नहीं जाता है, कभी कभी जो कुछ बच्चे होते हैं उनके पास लेट पहुँचता है, ठीक है। तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, रिजल्ट आप सभी का आएगा। जो डायरेक्ट कैंडिडेट हैं उन्होंने मेल नहीं दिया है, तो उनका भाई ऑनलाइन ही चेक होगा। अगर आपने मेल नहीं दी थी तो आप ऑनलाइन ही चेक कर पाएंगे, जो कि तीन चार दिन नहीं लगेंगे, 2-3 दिन में आपका पॉसिबल हो जाएगा। 2-3 दिन में नैरट काम कर रहा है इस पर, जल्द ही आपका ऑनलाइन वाला ऑप्शन भी शो हो जाएगा, आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो परेशान होने की कोई भी इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो भी बच्चे पास हो गए हैं, बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं टेलीग्राम के द्वारा भी, व्हाट्सएप पे भी, तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन, जो बच्चे पास हो गए हैं। और जो फेल हो गए हैं भाई, उनको भी अब भविष्य में मेहनत कीजिए, जल्द ही मतलब आप भी पास हो जाएंगे अगर आप थोड़ी मेहनत कर लेते हैं तो, ठीक है। तो जो बच्चे पास हो गए हैं उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन। वीडियो को लाइक कर दें सभी बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब जिसने नहीं किया अभी तक, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को शेयर्स को जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।